वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साखी मुल्तान दे पीर अचल वटाले सिद्धा नाल गोष्ट करके गुरु जी करतारपुर आ गए। इत्थे आके उन्हां सिद्धा नाल हुण तक जिन्नियां भी गोष्टियां होईयां सन उन्हां दा निचोड़ एक लम्मी बाणी सिद्ध गोष्ट दे रूप विच लिखिया। इस बाणी तो गुरु जी दी विद्वता अते फलासफी दा भली भांत पता लग जांदा है। जदों गुरु जी कुछ चिर करतारपुर रहे तां उन्हां नूं पता लगा कि सूफी पीर फकीर मुल्तान विच एक बहुत वड्डा इकट्ठ कर रहे हन। गुरु जी ने इन्हां पीरां फकीरां नाल भी गोष्ठी करन दा मन बनाया। जिवें सिद्ध अपनियां करामातां विखा के लोकां नूं ठगदे सन, उस तरह ही पीर फकीर भी करामातां दा ढोंग रच भोले पाले लोकां नूं लुटदे सन। गुरु जी ने भाई मरदाने नूं नाल लिया अते मुल्तान शहर दे बाहर दरिया दे कंडे डेरा ला लिया। उत्थे जदों लोकां नूं पता लगा कि इलाही फकीर नानक शाह आया है तां हिंदू अते मुसलमान सब उन्हां दे दुआले आ इकट्ठे होए। जदों पीरां फकीरां दे इकट्ठ नूं इह पता लगा तां उह बहुत घबराए। उह डरदे सन कि जे गुरु जी इत्थे ठहर गए तां भोले पाले लोक उन्हां दे सकंजे विचों निकल जाणगे अते उह भुखे मरनगे। उन्हां ने गुरु जी नूं परखण वास्ते दुध दा एक नको नक भरिया कटोरा कुछ सेवकां दे हथ भेजिया। मरदाने ने कटोरा फड़ना चाहिया पर गुरु जी ने उसनूं रोक दिता अते कटोरा अडोल अपने हथ विच फड़ के उस उत्ते एक चमेली दा फुल तर दिता अते लियाउण वाले सेवकां नूं कहा कि इसनूं वापस उस पीर पास पहुँचा देवो जिस ए भेजिया है। भाई मरदाना ये सब कुछ वेख के हैरान होया ते उस गुरु जी नूं पुछया, सतगुरु जी इस विच की रहस है? दुध भरिया कटोरा लैण दी थां तुसीं उस उत्ते चमेली दा फुल धर के वापस कर दिता है। भाई मरदाने दी ए गल सुन के गुरु जी ने फरमाया, भाई मरदाने इस विच एक गहरा भेद है। पीरा ने दुध दा कटोरा इस करके भेजिया सी कि मुल्तान शहर पहला ही पीरा फकीरा नाल नको नक भरिया है। इत्थे किसे होर पीर दी गुंजाइश नहीं। असीं कटोरे उत्ते चमेली दा फुल रख के उन्हां नूं ए जवाब भेजिया है कि असीं किसे नूं दुख देण जां थां मल्लण नहीं आए। असीं तां परमात्मा दे नाम दी खुशबू वंडण आए हाँ। असीं पीरां उप्पर चमेली दे फुल वांग रहांगे, किसे दे सिर दा भार नहीं बणांगे। भाव साडा इत्थे वसणा टहकणा ते महकणा चमेली वांग होवेगा। कुछ समय बाद वड्डे वड्डे पीर फकीर भी गुरु जी नाल धार्मिक विचार वटांदरा करन लई पुज गए। ओ पीर फकीर भी गुरु जी दे गृहस्थी बाणे नूं वेख के हैरान होए अते उन्हां ने इस दा कारण पुछया। गुरु जी ने उन्हां नूं समझाया अते उपदेश दित्ता, दुनिया नूं त्याग के फिर संसारी लोकां ते निर्भर करना इस संसार ते एक प्रकार दा भार है। हर व्यक्ति नूं अपने हत्थीं किरत करनी चाहीदी है। तुसीं पीर फकीर झूठियां करामातां विखा के लोकां नूं भरमाउंदे हो, इस तरह तुहाडा इह लोक तां अजाई जांदा ही है, तुसीं परलोक भी विगाड़ लैंदे हो। तुसीं गृहस्थियां नूं माड़ा समझदे हो पर फिर गृहस्थियां दे घरां तों मंग के खांदे हो, इस तरह तुसीं गृहस्थियां तों किते नखिद हो। उन्हां गरीब लोकां दी जिन्हां नूं लुटदे हो सेवा करनी चाहीदी है। इस सेवा नाल ही तुसीं रब दी दरगाह विच कबूल होवोगे। कई दिन गुरु जी दी संगत माण के सारे पीर फकीर गुरु जी दे शरण पै गए अते सिख बन गए। मुल्तान तो चल के गुरु जी पाकपटन गए, उत्थे शेख फरीद सानी नूं मिल के उन्हां बाबा फरीद शकरगंज दी बाणी दा इक उतारा लिया। उस उतारे नूं बाद विच गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल कीता गया।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।